हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं कुछ सैम्पल एसेज डिस्कस करूंगा बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए और दूसरे सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। और इसमें मैं कुछ टिप्स और गाइडेंस आपको दूंगा और सैम्पल ऐसे भी कुछ डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको लिखना है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे उसका जो बॉडी कंटेंट है वो उसमें लिखना है आपको और कैसे कंक्लूड करना है उसको। देखिए, ये एक ऐसे है और हाईली इम्पॉर्टेंट ये हो सकता है पर्टिकुलरली बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए। देखिए, यहाँ पर देखिए, प्लान्स टू स्विच इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। जैसे आपने इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ में भी पढ़ा होगा और काफ़ी न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत पुश कर रही है, उसकी तरफ वो बढ़ना चाहती है क्योंकि पॉल्यूशन की भी प्रॉब्लम है और पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में एक ड्राइव है, एक वेव है। इलॉन मस्क का नाम आपने सुना होगा, इलॉन मस्क काफ़ी काम कर रहे हैं इस पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ये आइडिया जो है, ये गुड है या बैड है, ये इस ऐसे में आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए, इंट्रोडक्शन इसका कैसे करेंगे। देखिए, ये ऐसे मैंने लिखा है और इस ऐसे को और भी अच्छा लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, अभी मैं बताऊंगा आपको। देखिए, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा, इसमें आपने ये बता दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या हैं, ठीक है, और ये किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकते हैं। यहाँ पर माय ओपिनियन, यदि ऐसे में आपसे ओपिनियन पूछा है तो सेकंड पार्ट में आपने माय ओपिनियन कर दिया, इसमें आपने बॉडी कंटेंट डाल दिया, इसमें आपने इंट्रोडक्शन दे दिया और यहाँ पर आपने कंक्लूजन में जस्टिफाई कर दिया कि ये जो प्लान है डीजल या पेट्रोल व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना, क्या ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से ये इम्पैक्ट करेगा हमारी सोसाइटी को। अब देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या दिया है आपने, इंडिया इज़ मेकिंग अ बिग पुश फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में आपको लिखना है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स या कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस आपको नहीं लिखना है, सिंपल बिल्कुल रखना है आपको। देखिए, इंडिया इज़ मेकिंग अ बिग पुश फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये बात सही है कि इंडिया पुश कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कॉस्ट ऑफ पेट्रोल डीजल एंड एयर पोल्यूशन। इसका रीज़न क्या है कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम यूज़ करेंगे तो एयर पोल्यूशन नहीं होगा। दिल्ली में आप पोल्यूशन देख सकते हैं, कितना पोल्यूशन है। मैनी पीपल थिंक दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर फार बेटर देन पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स से अच्छे हैं। सम पीपल थिंक दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नॉट यूज़र फ्रेंडली। कुछ लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़र फ्रेंडली नहीं है। उसके रीज़न क्या हो सकते हैं, उसके रीज़न ये हो सकते हैं कि इसको चार्जिंग करने में टाइम लगता है या लॉन्ग ट्रैवल के लिए इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कुछ डीमेरिट्स भी इसके इनके हो सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। बट द थिंग इज दैट वेरी प्लान हैज इट्स ओन मेरिट एंड डीमेरिट्स। So we can analyze the process and other technical parameters to find whether plans to switch to electric vehicles are good or bad. देखिए, ये है introduction, ये बिल्कुल rough है और इससे भी बहुत अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है, इससे भी बहुत अच्छा refined ऐसे लिखा जा सकता है। ये बिल्कुल simple ऐसे है, ठीक है, और बैंकिंग एग्जाम में आप ऐसा ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, ये जो पूरा ऐसे है ये 350 word का है, ये 310 समथिंग इसमें वर्ड्स हैं, लेकिन आपको इससे भी कम लिखना है। आपको जैसे बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो आप देख सकते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसे और लेटर लिखना एक बर्डन लगता है, लेकिन ये उतना कठिन नहीं है, ये बिल्कुल सरल है। आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा और अब देखिए माय ओपिनियन में क्या लिखा है, मैं आपको पहले पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं टिप्स एंड गाइडेंस आपको दूंगा कि कैसे लिखना है ऐसे को। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू प्लान्स टू स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर गुड। यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मेरा ओपिनियन क्या है, क्योंकि ऐसे में मेरा ओपिनियन पूछा गया है कि ये गुड है या बैड है। गुड है बैड है मतलब मेरा ओपिनियन यहाँ पर आपको मेरा ओपिनियन मतलब अपने आप को लिखना है। द रीज़न इज सम हाउ एयर पॉल्यूशन विल बी कंट्रोल्ड बाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑल्सो इट डजेंट प्रोड्यूस एनी क्लाइमेट डैमेजिंग गैसेज लाइक ग्रीन हाउस गैसेज। ये बात सही है कि इससे एयर पोल्यूशन कंट्रोल होगा क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस इमिट नहीं करता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी इज लेस एक्सपेंसिव देन पेट्रोल एंड डीजल एंड इट डजेंट एमिट एनी हार्मफुल गैसेस इन द एनवायरनमेंट। ये सही है। फर्दर मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर इजी टू ऑपरेट एंड हैव लेस मेंटेनेंस। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ऑपरेट करना आसान है और इसका मेंटेनेंस जो है ये इजी है।
इफ इलेक्ट्रिक कार्स हैव मैनी एडवांटेज, श्योरली इट विल हैव सम डिसएडवांटेज एज वेल. दीज आर शॉर्ट रेंज व्हीकल्स विच मीन इट विल नॉट बी सूटेबल फॉर लॉन्ग ट्रेवल. इट मे टेक मच टाइम टू रिचार्ज एंड एट इनिशियल स्टेज इन्वेस्टमेंट इज हाई फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी इसमें बताए हैं. मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एनालिसिस किया जा रहा है इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं. Renewable energy for driving the electric car, it will be very good for the environment. Unlike normal cars, electric cars have no oil change, frequent maintenance, breakdown like that. So in my point of view, electric cars usage is far better than petrol diesel cars. ये actually ये एक मैंने एक rough draft आपको बना के दिया है. ये मैंने जल्दी से बहुत जल्दी में इसको लिखा है और आपको बताया है कि यदि आप रफ भी लिखते हैं तो भी काफ़ी अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है. अब इसको मैं रफ क्यों बोल रहा हूँ, इसको मैं रफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको बेटर किया जा सकता है. इसमें कुछ फैक्ट एंड फिगर्स जोड़े जा सकते हैं. जैसे अभी मैंने एक हाल ही में एक आर्टिकल पढ़ा था नितिन गडकरी का, उन्होंने बोला था कि 2030 तक उनको सारे व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चेंज करना है. तो इस स्टेटमेंट को इस ऐसे में लिखा जा सकता है. चाइना के कुछ फैक्ट्स इसमें लिखे जा सकते हैं कि चाइना जो है सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है इलेक्ट्रिक कार्स का, सबसे बड़ा चार्जिंग पॉइंट है वहाँ पर, बैटरीज का एक मैन्युफैक्चरिंग हब है. तो वो सारे पॉइंट इसमें डाले जा सकते हैं. ये मैंने केवल आपको एक रफ आइडिया दिया है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे लिखने से और लेटर लिखने से डरते हैं, पैनिक हो जाते हैं कैसे लिखा जाए. लेकिन आपको बिल्कुल बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, अपने अपने थॉट्स को आपको एक्सप्रेस करना है. और इसके लिए जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा. इसके लिए अभी कुछ टिप्स मैं आपको और बताता हूँ. देखिए कंक्लूजन में क्या लिखा है, प्लान्स टू स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर ऑलवेज गुड फॉर अस एंड अवर एनवायरनमेंट. ये यहाँ पर कंक्लूड कर दिया गया है, इसको इसको जस्टिफाई कर दिया गया है कंक्लूजन में. तो इस तरीके से एक सिंपल ऐसे आपको लिखना है, एक टाइटल देना है, फिर आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, फिर यहाँ पर डिटेल में दो या तीन पैराग्राफ लिख दीजिए और यहाँ पर कंक्लूड कर दीजिए. तो इसमें ये जो ऐसे है ये 350 वर्ड का है, लेकिन आपको 250 वर्ड का लिखना है, यानी इससे भी छोटा आपको ऐसे लिखना है. तो आप सोच सकते हैं कि कितना आसान है. अब देखिए एक ऐसे ये है, ये जम्मू एंड कश्मीर रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, ठीक है, इसके बारे में है. तो एक्चुअली इस पर ऐसे ऐसे आ सकता है कि आर्टिकल 370 को जो हटाया गया है जम्मू एंड कश्मीर से, क्या वो जस्टिफाइड है, क्या वो सही है, ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन मार्क में ये दिया जा सकता है. तो इसमें देखिए यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दिया है और इंट्रोडक्शन के बाद ये बॉडी कंटेंट में दो पैराग्राफ मैंने यहाँ पर लिखे हैं और उसके बाद कंक्लूजन किया गया है इसका. तो सिंपल ऐसे है, ये एक्चुअली 250 वर्ड का है. तो आपको ऐसा ऐसे आपको लिखना होगा. अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे थोड़ा सा बेटर है प्रीवियस ऐसे मैंने जो बताया है, क्योंकि इसमें मैंने फैक्ट एंड फिगर्स भी डाले हैं. देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन में ये बताया है कि आर्टिकल 370 एक्चुअली है क्या, ठीक है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका इफेक्ट क्या है. अब देखिए आर्टिकल 370 पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हैड अलाउड इट टू हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूअल सिटीजनशिप, अ स्टेट फ्लैग एंड ऑटोनॉमी ओवर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. यानी धारा 370 जो थी ये जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर इसलिए लगाई गई क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो था जब भारत आज़ाद हुआ था, पार्टीशन हुआ था, उस समय एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था ये, ठीक है, ये एक डिस्प्यूटेड प्लेस था. तो इसलिए धारा 370 के अंतर्गत इस पूरी पूरी स्टेट को एक एक विशिष्ट राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है, स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया धारा 370 के अंतर्गत. और इसमें इसका एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, सिटीजन्स को ड्यूअल सिटीजन दी गई, यानी वो इंडिया के भी सिटीजन हैं और जम्मू एंड कश्मीर के भी सिटीजन हैं, एक स्टेट फ्लैग बनाने की अनुमति दी गई और उनको ऑटोनॉमी दी गई, उनको फ्रीडम दी गई कि वो अपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को खुद कंट्रोल कर सकें. तो ये था धारा 370. तो यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दिया है, केवल इंट्रोडक्शन दिया है. यहाँ पर देखिए क्या दिया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवोक दिस आर्टिकल ऑन अगस्त 2019. अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस आर्टिकल को रिवोक कर दिया, मतलब वापस ले लिया, हटा दिया उसको वहां से, थ्रू आ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एंड द पैसेज ऑफ रेजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट. रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, दिस आर्टिकल अलॉन्ग विथ आर्टिकल 35A, इसका भी आपने नाम सुना होगा, 370 के साथ 35A आर्टिकल भी था.
डिफाइंड दैट द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी अंडर अ सेपरेट सेट ऑफ लॉज रिलेटेड टू सिटीजनशिप्स ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड फंडामेंटल राइट्स एज कम्पेयर टू अदर इंडियन रेजिडेंट्स। तो यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर इसका डिटेल बताया है, यहाँ पर इसका रिजल्ट बताया है कि जब धारा 370 लगी या धारा 370 को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ जम्मू एंड कश्मीर पर। देखिए, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोविजन इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अदर स्टेट्स कुड नॉट परचेज लैंड और प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। इस धारा को जब लगाया गया तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि दूसरे स्टेट्स के जो लोग हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में जाकर वहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। ठीक है, टू एब्रोगेट द क्लॉजेज इन द कंट्रोवर्सियल आर्टिकल 370 एंड 35A दैट ग्रांटेड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अ स्पेशल स्टेटस एंड प्रपोज टू रिकोगनाइज लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर एज टू सेपरेट यूनियन टेरिटरी। आपको पता होगा कि अब जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया है इंस्टेड ऑफ ए फुल फ्लेज्ड सिंगल स्टेट। तो ये आपको लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, जैसे एक आप एक रजिस्टर लीजिए और एक रजिस्टर में एक पेज पर कोई भी इशू है, कोई भी इशू, ठीक है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल इशू हो, एनवायरमेंटल इशू हो, उसके बारे में 5 पॉइंट प्रो और 5 पॉइंट कॉन्स, मतलब 5 पॉइंट उसके फेवर में और 5 पॉइंट उसके अगेंस्ट आप लिखिए, अपने मन से लिखिए, पढ़ के फिर अपने मन से लिखिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपको किसी भी इशू के बारे में अपना एक पर्सपेक्टिव बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे आपको देखिए जो GD और GE होता है, ग्रुप एक्सरसाइज और GD जो बैंकिंग एग्जाम्स में होता है, उसमें भी इससे आप बोल पाएंगे, इंटरव्यू में भी इससे आप बोल पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो UPSC एस्पिरेंट्स अपनाते हैं। एक पेज लिया आपने, कोई भी इशू लिया, उसके 5 पॉइंट सामने लिखे और पीछे वाला जो पन्ने का पीछे वाला पार्ट है उस पे अगेंस्ट आपने कुछ भी लिख दिया, 5 पॉइंट फेवर में, 5 पॉइंट अगेंस्ट कई सारे इशूज़ के बारे में। तो इससे एक 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 रफ आइडिया आपके दिमाग में बनता है, पॉइंट्स आपके दिमाग में बनते हैं, एक पर्सपेक्टिव आपका डेवलप होता है किसी भी इशू के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ऐसे आप आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए कंक्लूजन में क्या है, दिस रिवोकेशन इज जस्टिफाइड एक्शन बाई सेइंग दैट दिस विल हेल्प एंड वायलेंस एंड मिलिटेंसी इन द स्टेट एंड इनेबल पीपल टू एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम्स। इसके फायदे यहां पर बताएं कि धारा 370 को हटाने से क्या होगा, कंक्लूजन में इसके इंप्लीकेशंस बताए हैं कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट डेवलप होगा, किस तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डेवलप होगा, हेल्थ एंड टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वहाँ पर बूस्ट होगा, क्वालिटी हेल्थ लोगों को मिल पाएगी। तो ये सब कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इन एसेज को आपको लिखना है। तो इस वीडियो क्लास में मैंने दो ऐसे आपको बताए हैं, आगे की वीडियो क्लास में मैं दूसरे कुछ एसेज भी डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले तब तक आपको लिखने की प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखने की और अपना एक पर्सपेक्टिव बनाने की आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इस वीडियो सेशन में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में।